क्षेत्र की प्रसिद्ध व श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्र पर जारी 9 दिवसीय अनुष्ठान दुर्गा पाठ व शतचंडी हवन की पूर्ण आहुति के बाद विजयदशमी के दिन नगरवासियों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नगर सहित क्षेत्र व आसपास के जिले खरगोन खंडवा बड़वानी महाराष्ट्र तक के 30 से 35 हज़ार श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण की। भंडारा समिति अध्यक्ष मुकेश पटेल ने बताया कि विशाल कन्या भोज के साथ शुरू हुआ भंडारा सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चला, जिसमें नगर सहित आसपास के प्रत्येक व्यक्ति ने तन मन धन से सहयोग कर आयोजन को सफल बनाया। विधानसभा चुनाव 2023 के चलते आदर्श आचार संहिता का असर साफ देखने को मिला, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी के दर्शन किए व भंडारे में भजन प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में पहुंचे क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी चंद्र सिंह वासकले, कांग्रेस के प्रत्याशी केदार डाबर भी पहुंचे, किंतु पाबंदियों के चलते दर्शन कर भोजन प्रसादी ग्रहण कर चले गए। शारदीय नवरात्र में पहले दिन से ही भंडारा समिति द्वारा निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुरूप ही धार्मिक अनुष्ठान व आयोजन नियमित किए गए। आचार संहिता की मर्यादा का पालन करते हुए विशाल भंडारे का सफल आयोजन हुआ। प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फूलबाई माता जी मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद दशहरे के रोज विशाल भंडारे का आयोजन रखा जाता है, जो भक्तों द्वारा अपने दान राशि का सहयोग देकर यह भंडारा किया जाता है, जो आज एक विशाल रूप में संपन्न हुआ है। और अभी कुछ चल रहा है, कुछ श्रद्धालु आ भी रहे हैं। तो ये भंडारा प्रतिवर्ष होता है, जिसमें हर साल बढ़ते ही जाता है। इस बार करीबन 30 से 35 हज़ार श्रद्धालुओं ने यहाँ आकर प्रसादी ग्रहण के लिए, इसके लिए हमें कम से कम 50 से 60 हलवाई बनाने वाले लगे हैं। और सनावत की हमारी टीम आई है, जिन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनाया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ ही ग्राम के सभी जिन्होंने सहयोग किया है, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग से ही आज इतना विशाल भंडारा हुआ है, जिसमें करीबन हमें 30 क्विंटल के करीबन आटा लगा है और करीबन शक्कर हमारी 11 बोरी शक्कर भी लगी है। ऐसे चना दाल है और मिर्ची का सौंधा भी बना था, बहुत स्वादिष्ट बना था, सभी ने बहुत प्रसन्नता की। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी आए हैं, श्रद्धालु भी आए हैं, सभी ने आकर प्रसादी ग्रहण करिए। मैं पुनः सभी नगरवासियों का, सभी सहयोगियों का, सभी हलवाई जो आए हैं सना से, उनका, सभी दानदाताओं का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश पटेल, भंडारा समिति अध्यक्ष 2023। सहगांव से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।